बहुत ही लंबे इंतजार के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट वन का रिजल्ट जारी कर दिया है। लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि आप सभी स्नातक पार्ट वन का रिजल्ट बीए का कैसे देखेंगे, साथ ही आपका पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल मोबाइल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। आपको सर्च करना है bihar info.in, जिसके माध्यम से आप लोग देखे होंगे पहले भी, आपको bihar info.in के वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको कहां से रिजल्ट देखना है, चलिए ये सबसे पहले आपको बताते हैं। आपको आ जाना है वेबसाइट पर। जैसे ही इस वेबसाइट पर आते हैं तो पूरी जानकारी के साथ यहां पे आपको दिया गया है। इस पर आपको यूनिवर्सिटी का जो नाम आप देख रहे हैं VKSU रेड कलर में, इस पर आपको कर देना है क्लिक। VKSU पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। VKSU का जितने भी सत्र होता है सभी का जो लिस्ट वाइज नोटिस होता है इसी VKSU बॉक्स में दिया जाता है। अब आपको सेशन वाइज में आ जाना है कि आपका सेशन कौन सा है। तो सेशन आपका 2019 है, स्नातक पार्ट वन का रिजल्ट, यहाँ से आपको कर देना है क्लिक और चेक करना है। तो चलिए इस पर हम कर दिए हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है नीचे। तो थोड़ा सा साइट स्लो चल रहा है, और आपको नीचे आते ही आपका जो बीए का रिजल्ट है डाउनलोड करके बताते हैं। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद VKSU बीए रिजल्ट पे कर देना है सामने क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है साइट पर। चलिए साइट पर चल के वहाँ से भी आपको रिजल्ट डाउनलोड करना बताते हैं। तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन देगा। आपको क्या करना है कि जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे उस एडमिट कार्ड को अपने पास रखना है। सेशन में आपका जो सेशन है 2021 कर देना है। एग्जाम टाइप जो है ईयरली कर देना है। इसके बाद जो कोर्स है आपका BA BCOM BSc वो कर देना है, BA कर देना है। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है टाइप कर देना है। तो चलिए रोल नंबर टाइप करके आपको बताते हैं। जो भी आपका रोल नंबर है टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपका जो रोल नंबर है टाइप कर देना है, साथ ही आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे फादर नेम या मदर नेम टाइप करना है। आपका एडमिट कार्ड पे जैसा आपके पिताजी का नाम होगा वैसे ही आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो चलिए यहाँ पे दर्ज करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे कर दिए हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पे शो मार्कशीट पे कर देना है क्लिक, और आपका रिजल्ट सही रहा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब रहा कि प्रमोटेड का रिजल्ट अभी शो नहीं कर रहा, यहाँ पे देख रहे हैं कि PDF आ गया है। अब यहाँ से गेट न्यू रिजल्ट करेंगे नहीं, आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन करके बताते हैं। तब यहाँ से आप लोग ओपन करके अपना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। साइट थोड़ा एरर भी हो सकता है, प्रमोटेड का रिजल्ट बाद में शो करेगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।